वेलकम टू आवर चैनल टिंग नंबर्स। मैं जानवी, मैं पूजा, मैं शिवानी और मैं अग्नि। सो गाइस आप देख सकते हो आज हमारी टेबल पे रखी हुई है चार तरीके की थालियां। सबके इंडिविजुअल एक एक थाली उनके सामने रखी हुई है और ये सारी थाली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मेरी जो थाली वो है बीकानेर वाला, आप देख सकते हो, और इसकी पैकेजिंग एकदम ऐसी फीलिंग आई थी मेरे को तो सबसे पहले कि इसमें मिठाई है, ये मिठाई का डब्बा है एंड ये हमारी नान और ये पापड़। तो हम खोलते हैं हमारी थाली जल्दी से। ओके गाइस, पैकिंग आप देख सकते हो कितनी ज्यादा नीट और क्लीन है एकदम। तो गाइस मैंने मेरी थाली की अनबॉक्सिंग कर ली है। तो आप देख सकते हो ये हमारा पापड़ और ये है मिक्स वेज, उसके बाद ये रायता, ये हमारा स्वीट डिश और इसके नीचे मैं आपको दिखा दूँ ये है सैलेड, ये है मेरा एक लच्छा पराठा एंड एक बटर नान, उसके बाद यहाँ पे है अचार एंड ये है मटर पनीर और उसके बाद ये है दाल मखनी और ये हमारे राइस जो नीचे छुप गए हैं बेचारे मटर पुलाव कह सकते हैं इन्हें। सो गाइस मेरी थाली है हीरा स्वीट से, ये भी बॉक्स के अंदर है, मैंने इसकी अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं की थी। हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं। सो गाइस मैंने इसे ओपन कर लिया है, यहाँ पे मिक्स वेज है, यहाँ पे दाल मखनी है और ये है शाही पनीर, ये है हमारा रायता और ये ग्रीन चटनी और ये है स्वीट डिश जिसको बोलते हैं चमचम और ये हमारा छोटू सा पापड़ और ये हमारा बीच में मटर पुलाव बहुत जो टेस्टी लग रहा है और ये साइड में हमारे रखे हैं दो लच्छा पराठा और इसके साथ है नान। और मैं मेरी थाली ओपन कर लेती हूँ और मेरी थाली है मिठास की। तो गाइज ये है शाही पनीर और ये दाल मखनी, ये मटर पुलाव और ये मेरी फेवरेट मिक्स वेज एंड ये बूंदी का रायता एंड ये गुलाब जामुन पापड़ और ये अचार है और ये है सैलेड एंड उसके बाद है हमारे लच्छा पराठे एंड नान। सो मेरी थाली है ये है लास्ट थाली, लेकिन ये सबसे एक्सपेंसिव है। मैं अभी इसको ओपन करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये दाल मखनी, उसके बाद ये है रायता, उसके बाद ये है मटर पुलाव, ये हमारा मटर पनीर, ये मिक्स वेज, ये है मेरी फेवरेट गुलाब जामुन, ये हमारा पापड़ सैलेड, ये है लच्छा पराठा और इसके नीचे ये है नान। क्योंकि इतने सारे आइटम्स हैं एंड आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हम सबकी थाली में जो आइटम्स हैं वो कॉमन ही है। सो आज का हमारा चैलेंज होने वाला है हल्दीराम थाली वर्सेस बीकानेर वाला थाली वर्सेस हीरा स्वीट थाली वर्सेस मिठास की थाली गाइस थाली मैं गाइस आप लोग बहुत सारे सवाल पूछते हो कमेंट्स में ऐसे कि आप लोग इतना सारा फूड एक्सपेंसिव फूड डेली ऑर्डर करते हो एंड उसके बाद चैलेंज करते हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ऐसे कुछ एक्सपेंसेस बहुत ही इजिली मैनेज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बिनोमो। गाइस बिनोमो हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग पार्टनर है, तो आइए उसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ये मेरे बिनोमो एप्लीकेशन का इंटरफेस, यहाँ पे मेरे रियल अकाउंट में 24,438 रुपीज और गाइस मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे चार टाइप का ऑप्शन है, माउंटेन लाइन कैंडल बार एंड मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे एसेट्स के ऑप्शन आ जाते हैं, मैंने क्रिप्टो आईडेक्स चूज किया। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको 70 रुपीज से लेकर 65,000 तक का ऑप्शन दिखेगा, आप कितना भी अमाउंट ट्रेड कर सकते हो। मैं अभी 7,000 ट्रेड करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको बेसिकली प्रिंट करना होता है ग्राफ अप जाएगा या डाउन जाएगा और उसके रिस्पेक्टिव बटन्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस मैं प्रिंट करती हूँ, ग्राफ अप जाएगा तो आप देख सकते हो कि मेरा अमाउंट भी डिडक्ट हो चुका है एंड नाउ वी हैव टू वेट टिल दिस सेकंड रेड लाइन। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने 12,740 रुपीज अर्न कर लिए हैं एंड मेरे रियल अकाउंट में अमाउंट अपडेट भी हो चुका है एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके अगर आप इनोमा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको आपके डेमो अकाउंट में 1,000 USD मिलेंगे जिसके थ्रू आप लोग ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। सीखने के बाद अपने रियल अकाउंट में रियल मनी ऐड करके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फिर देर किस बात की, आप अपने कुछ एक्सपेंसेस मैनेज करिए, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइस अब जल्दी से हमारा चैलेंज स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे कि आपको बताया कि चैलेंज और उसके बाद होगी पनिशमेंट, वो पनिशमेंट कौन करेगा ये तो आपको चैलेंज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो गर्ल्स रेडी? यस। 3, 2, 1 गो। Thank you.
सकते हो कि मेरी थाली एकदम साफ है, उसके बाद मेरी नान एंड मेरा पराठा सब मैंने खा लिया क्योंकि इतना ज्यादा डिलीशियस था। लेकिन अगर बात करें थाली की तो वो बहुत ज्यादा टेस्टी थी। मुझे सब्जी से लेकर रायते तक, चटनी से लेकर सैलेड तक सब चीज परफेक्ट थी। तो गाइस कोई बात नहीं, सबको मजा आया, सबने बैलेंस थाली खाई है, सबको एकदम डिलीशियस डिलीशियस हो गया। चलो एकदम बढ़िया से कड़ाकेदार पनिशमेंट देते हैं इनको। तो आप देख सकते हो ये इतने सारे बैलून, फुल बर्थडे वाइब्स। देखो निकल नहीं रहे हैं बाहर, सब निकल रहे हैं। देखो कितने ज्यादा कलरफुल, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। लिटरली बैलून देख के तो फुल बचपन वाली फीलिंग आती है। तो गाइस इन लोगों ने अपने अपने बैलून्स उठा लिए हैं जो कि पांच पांच थे। अब तुम तीनों जरा ऐसे ग्रुप में खड़े हो जाओ, सर्कल बना के, हाँ ऐसे चिपक जाओ एक दूसरे से। अब इनको क्या करना है मैं बताती हूँ कि इन लोगों को यू नो मेल मिलाप के साथ टीम वर्क में एक मिनट में ये सारे बैलून फोड़ने हैं, वो भी दांत से। सिर्फ दांत यूज करना है, हाथ यूज नहीं होना चाहिए, नाखून यूज नहीं होना चाहिए। हुआ तो गाइस ये रहा डंडा, ठीक है, रिमेम्बर दिस डंडा। ये बहुत तेज और बहुत ही अच्छे से लगता है, ठीक है। सिर्फ दांत यूज करके एक मिनट के अंदर तुम तीनों को मिलकर ये 15 बैलून फोड़ने हैं, और नहीं हुआ तो तीनों को पड़ेगा डंडा। सो गर्ल्स आर यू रेडी? रेडी। ओके 1 2 3 गो। अरे तैयार, मैं तो फूट नहीं रहा। बैलून बोरा, एक और बोरा। अबे हट, मुझे तो लग गई। जल्दी 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 करो। नाक ही टूट गई, ऐसा लग रहा है। नाक मेरा यहाँ चाटा लगा इतनी जोर से। मेरा नोज और मेरा ये वाला पार्ट ऐसे सुन हो गया है। मुझे तो लगा कि मुझे ना लगा था थप्पड़ पड़ रहे। So guys, we hope कि आपको हमारा ये थाली eating challenge and उसके बाद ये बहुत ज्यादा धमाकेदार punishment देखने में बहुत मजा आया। अगर मजा आया तो do like the video and subscribe to our channel। तो अब आपसे मिलेंगे next video में, तब तक के लिए bye।